गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप लोग? वासम न्यू 3C ब्लॉग में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो मैं ऐसे ही बस कमेंट्स के थ्रू देख रहा था और एक आई डोंट नो वो कौन है जिन्होंने बड़ी कंसर्न थी या था इशू के लिए, जो हमने लास्ट ब्लॉग डाला था। हाँ, हमने जब लास्ट ब्लॉग डाला था तो इशू ऐसा उसको नींद नहीं आ रही थी। तो मैं आप सबको बता दूँ कि जब भी इशू गाड़ी में बैठती है उसके पहले इशू 9 घंटे वैसे 8 घंटे सो के आ रही थी जब हम जा रहे थे उसके पहले, बस उठी थी। फिर गाड़ी में जब भी इशू बैठती है ना तो उसको बहुत नींद आती है। उसके लिए जैसे वो होता है ना झूला, हम लोग के लिए झूल रहे होते हैं, तो वैसे ही इशू जैसे ही गाड़ी में बैठती है थोड़ी देर बाद उसकी आँखें बंद गाड़ी में बैठती सो जाती थी बचपन में। हाँ, तो और हम लोगों ने वो देखा था। तो कुछ लोग हैं आप में से जो अपना ज्ञान बघाड़ रहे थे कि यू नो पेरेंट्स इतने वो हैं कि उनको सिर्फ या इवन शी फाउंड इट फनी Even issue found it funny. तो अच्छी बात है आपका, अच्छी बात है आपका। नहीं कि वो हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे कैमरे में और यू नो जो भी है। तो भाई अभी तो इशू सो जाएगी गाड़ी में, फिर सो जाएगी, तो अभी क्या करें आप लोग? मतलब मैं तो जो ऑर्गेनिक जो चीज है वो आपको दिखाता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को आप लोगों को जो आई थी वो तो देखो एक सिंपल चीज है, व्हेन यू आर इन समथिंग लाइक दिस व्हाट वी आर डूइंग, इसमें नो मैटर व्हाट यू करो तो या तो वो अति है या वो कम है। भाइयों ऐसा है, वो भी नॉट गुड पेरेंट्स, ये तो पढ़ना। देखो भैया एक चीज का मेडल तो हम लेके घूमेंगे भगवान जी की तरफ से, बेस्ट मदर बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। गोली मारते हैं। तो बस ये है कि जब भी वो गाड़ी में बैठती तो प्लीज ऐसा मत सोचिए कि हम लोग उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो 8 घंटे सो के आई थी, वो गाड़ी में सो जाती है वो। हमने कहा भाई ऐसे तो कुछ आप काम ही नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो इशू गाड़ी में सो रही होगी तो हम लोग आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे। होता है तो आप उसके सामने नगाड़े बजा दें, नहीं कुछ भी, जब उसे नहीं सोना होता है तो आप एक छोटा सा पिन भी गिरा दीजिए तब भी वो उठ के। चलिए ऑन दैट नोट हम लोग जो है अपनी पुरानी बिल्डिंग में वापस आए और अपने पुराने फ्लैट में वापस आए। वी नीड टू पिक अप स्टफ। तो हम लोग जो है थोड़ी देर के लिए मम्मा के आए हुए हैं। मम्मा ने बहुत बढ़िया सा मुझे पनीर खिलाया और इशू जो है अपना ये रोज का ही है ना मम्मा जब आती है। हाँ मम्मा सब खाना खा लिया। कांट शो मॉम, ये देख रहे हैं आप लोग, ये सब हमारी ईशु जी की कारिस्तानी है। और नानी के साथ क्या बोल रही है नानी को? नहीं, इसका। हम्म, दही इसमें छोले में डाल दो। सुनो कितना ऊंची है क्या? ओची ओची रोटी को जरा ईशु ऊंची 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 बोलती है। बेबी को जरा देख लो मैंने पकड़ा हुआ है हाथ से। आराम से आप में से कितने लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने आज तक दही जो है टेस्ट नहीं किया। अरे आपकी डाडर खिलाएगी आपको खादा आप ही नहीं। इशू क्या खा रहा है? इशू क्या खा रहा है? हाँ बेबी, तो ये बड़ी स्पेशल वाली मूंगफली है जो गोरेगांव में एक एरिया है वहाँ से मिलती है। स्पेक्टेकुलर पीनट्स, ऐसी पीनट्स मैं जेन्युइनली कह रही हूँ किसी ने कभी नहीं खाई होगी, इतनी बढ़िया बनाते हैं। इडली और मम्मा जो है सुबह अपना अपना डब्बा लेके बैठ जाते हैं मूंगफली का और चाय का। और हाँ मम्मा तो एक टाइम पे आधा डब्बा ख़त्म करती है हमेशा। इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? हाथ में कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सही होता है, या तो अपना कुत्ता लेके घूमती है या अपना हाथी लेके घूमती है या ये लेके घूमती है, सब बच्चे करते हैं ना इसका। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं श्रीमद् रामायण की शूटिंग करने। मैं जा रही हूँ वापस कैकई बनने। तो चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और हमारा अगला स्टॉप कहाँ होगा गुड्डू? हमारा अगला स्टॉप जो है हमेशा की तरह होगा मैकडॉनल्ड्स में। तो जैसा कि हमने कहा था कि हमारा अगला स्टॉप होने वाला है मैकडॉनल्ड्स। करना बेटा। ओके। यार मैं जीपे करूंगी। इशू जो है जाने की कोशिश कर रही थी।
समझे खुशी क्या बोल रही है वो? हाँ चाहिए आपको बलून, दो बलून अच्छे एक बलून लेके आओ ना। इशू को तो फ्री गिफ्ट मिलती है जब भी इशू आती है यहाँ पे, यहाँ से जरूर एक बलून देते हैं मैकडॉनल्ड्स वाले इशू को। इशू जो है लटका हुआ देख रहा है। अरे वाह, इशू को मिल गया बलून। व्हाई वी स्टार्टेड गेटिंग, ये फटा है इसके मुंह पे एक दिन। डर रही है क्या वो? हाँ पहले तो बहुत खेलती थी, अब डरने लग गई है। ईशु जो है इस वक्त सो रहा है मम्मा की गोदी में। ईशु को सोते हुए कितना टाइम हो गया बेबी? एक घंटा ना, एक घंटे से जो है ईशु निकल रहा है मम्मा की गोदी में। और बस अब उसको आई थिंक कितने देर में पहुंच जाएंगे हम यहाँ? 10 मिनट में हम और बस पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन। सो इट टुक अस अराउंड 3.5 आवर्स। बहुत कमाल की ड्राइविंग करी भाई ने, बहुत बढ़िया, सेफ येट फास्ट। तो हम लोग एक बार फिर जो है यहाँ पर आ गए। लास्ट टाइम हम लोग 6th फ्लोर पे थे यानी इस तरफ, लेकिन इस बार हम लोग यहाँ पर हैं और नए लोगों के साथ, कन्हैया और गीता के साथ लास्ट टाइम रिश्ता थी। और ये है इशू, कुछ याद आया तुम्हें लास्ट टाइम तुम कितने दिन तक यहाँ पे थी? और लास्ट टाइम तो पूरा टाइम पिस्तु दीदी और दादा के साथ थी, है इशू पूरा टाइम। यस यस। और ये रहा पार्क जहाँ पे इशू खेलती थी, दादा और पिस्तु साथ में पूरा टाइम था ना। अभी हम लोग खोल इसलिए नहीं रहे क्योंकि मैडम जो है बाहर जाने लगेंगे। इशू की नींद पूरी हो गई, अब इशू की बदमाशियां जो है शुरू हो जाएंगी। तो हम लोग जो हैं लोकेशन पहुंचने के पहले एक बहुत फेमस होटल है अहूरा, यहाँ पे रुके थोड़ा सा निक नैक्स खरीदने के लिए और हमारा जो ड्राइवर उसको चाय वाय पिलाने के लिए। इच्छो मम्मा आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ी गर्मी है ना गुड्डू? यहाँ थोड़ा सा गर्म है, बट ये बहुत फेमस स्टॉप है। जब आप गुजरात के मुंबई टू गुजरात जाते हैं ना तो रास्ते में अहूरा पड़ता है। और मैं जब अपनी बाइक राइड्स पे ले आता था यहाँ पे तब भी यहाँ पे कभी कभी रुकता था। इनफैक्ट हम लोग की ब्रेकफास्ट फेवरेट जगह यही है ब्रेकफास्ट के लिए। और अगर आप लोग कभी भी आ रहे हो तो प्लीज़ अहूरा में ज़रूर रुकिएगा। यू ऑल्सो गेट फ्रेश ब्रेड और डोनट्स और पता नहीं क्या क्या है, यहाँ पे बेकरी भी है उनकी एंड दे सर्व यू एक्सेलेंट 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 फूड। सो ये है एंड ये चू अच्छा घूम रहा है मम्मा के साथ, घूम रहा है, लटका हुआ है। तो बस एक काम करते हैं, इस व्लॉग को जो है हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी पी के। तो बस हमें यूँ ही देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें आपके प्यार की सख्त जरूरत है। वी लव यू ऑल। ओम नमः शिवाय।